हेलो भाई, स्वागत है आपका स्टडी विद तनु राज में। आज पढ़ेंगे हम जिला कांकेर के बारे में। तो जिला कांकेर के बारे में पढ़ेंगे तो इसका जो जिला गठन हुआ था 1998 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था CGPSC में और CGTET में कि जिला गठन कब हुआ था। उसके बाद जो मात्र जिला जो है इसका जो जहाँ से निकला है वो है बस्तर, बस्तर से निकला है। और इसका जो सीमावर्ती जो राज्य है वो है महाराष्ट्र, जिससे वो लगा हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए CGPSC CGTET समय पूछा गया है। उसके बाद यहाँ जो जनजाति पाई जाती है वो हलवा जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ जो प्रमुख जो नदी है वो नदी है कौन सा नदी है, यहाँ दूध नदी है जिसके तट पर कांकेर शहर बसा हुआ है। और यह मलाज कुंड जलप्रपात का निर्माण करती है। ये भी क्वेश्चन CGPSC CGTET CGVAPM समय पूछा गया है। और इसके साथ साथ यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र जो है वो है लखनपुरी। और यहाँ जो खनिज पाए जाते हैं वो तीन प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जो पहला वो है अपना लो अयस्क पाया जाता है और यहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है। ये बॉक्साइट जो है ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये केशकाल घाटी में पाया जाता है। और इसके साथ साथ यह बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ एक शहर है कांकेर, जो आप जानते ही हैं। और इसके साथ साथ यहाँ जो रामायण कालीन जो स्थल पाया गया वो पंचवटी है। और यहाँ खैरकट्टा करके जलाशय है जो मथौली नदी पर निर्मित है। और इसको ये CGPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। कौन सी नदी, मथौली नदी, इसको CGPSC में पूछा गया है। इसके साथ साथ कांकेर में जो जानने लायक जो चीज़ है वो है यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियाँ जो है वो है जो गड़िया पहाड़ जो है, जहाँ पर्यटन स्थल है, बहुत फेमस है जो जगह वहाँ है गड़िया पहाड़, आप जानते ही होंगे, ये बहुत फेमस है, यहाँ पर्यटन स्थल भी है ये, है ना। इसके साथ साथ यहाँ राव घाट है, राव घाट से दो अशक जाता है जो BSP में ट्रांसफ़र होता है BSP। और साथ ही साथ यहाँ बहुत ज़बरदस्त प्राकृतिक सौंदर्य है कांकेर का। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल में।